हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज ये ब्लॉग जो है वो कहीं बाहर नहीं शूट होगा, वो मैं अपने घर में ही शूट कर रहा हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग का बातचीत होगा। क्या बातचीत होगा कि पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं यूट्यूब पे, तो बस इसी के लिए मैंने एक छोटा सा Q&A रखा था अपने इंस्टाग्राम पे, है ना। वहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी आपके क्वेश्चंस आप पूछिए मैं उसका आंसर करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वही आंसर करेंगे और मैं भी आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लाइक मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं और उसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, तो जिनका क्वेश्चन रहेगा मैं यहाँ पे स्टिक कर दूंगा उनको क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है When you started your channel, ठीक है। तो मैंने अपना चैनल जून मंथ में स्टार्ट किया था, यही साल का जून मंथ में स्टार्ट किया था और जुलाई में मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग डाला था, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, वो मेरी बहन ने पूछा है, उसने पूछा है मुझे पार्टी कब मिल रही है। मिल जाएगी बहन, सब्र कर थोड़ा, ठीक है, और जब भी घर आएगी तो पार्टी मिल जाएगा तेरे को, रोना नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेरे दोस्त ने पूछा है, परम मित्र ने पूछा है, उसका क्वेश्चन ही अजीब रहता है, गुड नाइट का मतलब क्या होता है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कोई सेंस है इस बात की? बेकार का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो एक मेरे कॉलेज फ्रेंड ने पूछा है और वो क्वेश्चन ये है कि भाई आपकी तरह लड़कियां कैसे फटाएं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। भाई ये सब क्या पूछ डाला तूने यार। सबसे पहली बात कि ये सब के चक्कर में मैं नहीं रहता, अभी फिलहाल कैरियर पे फोकस है और भाई सब मोह माया है, सच्ची बता रहा हूँ आपको, बाद में पता चलेगा, बट ये सब मोह माया है, इससे जितना जल्दी बाहर निकलोगे तुम्हारे लिए सही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक ने पूछा है कि आप अपने प्लेस की बेस्ट रेस्टोरेंट और उनके डिलीशियस आइटम के बारे में व्लॉग में बनाइए, ठीक है। मैं अपने एरिया की जो भी फूड स्टॉल्स है या फिर रेस्टोरेंट है उसका भी फूड ब्लॉगिंग करूंगा एक दिन, और सारे चीज मैं आप लोगों को उसमें कवर करके दिखाऊंगा, बस मेरे चैनल पे बने रहें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो और आपका घर कहाँ है? तो मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, झारखंड का एक जिला है कोडरमा, और वहीं पे मेरा घर है झुमरी तलैया, आप लोगों ने काफी सुना होगा ये नाम, मैं झुमरी तलैया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरी दीदी ने पूछा व्हाट अबाउट योर कैरियर इन फ्यूचर। गुड क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आंसर करना चाहूँगा कि इन फ्यूचर मुझे खुद की एक अपनी कंपनी रन करनी है, ठीक है, और मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। फिलहाल मैं ब्लॉगिंग को एक पार्ट टाइम लेकर के चल रहा हूँ, साइड हसल की तरह, और करंटली डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, है ना, फ्यूचर में बहुत ही इसका स्कोप है, तो ये मेरा प्लानिंग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है मेरे एक रूममेट ने पूछा, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का रूममेट पूछा है हाउ इज द जोश। वेरी हाई, बहुत ही हाई, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले उसने कॉन्ग्रेट्स कहा है, थैंक यू सो मच भाई, और उसी का क्वेश्चन है आपकी कितनी GF है। कितनी का क्या मतलब होता है भाई, शकल देख करके लग रहा है कोई होगी भी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए क्या लगता है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाई ने पूछा है, वो थोड़ा फनी है इसलिए क्यों पूछे, क्वेश्चन में उसने पूछा है क्यों पूछे, तो मेरा आंसर है मत पूछ, मत पूछ भाई, तू कुछ मत पूछ, निकल यहां से, पहली फुर्सत में निकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एक एडमिन ने पूछा है, ठीक है, एक पेज के एडमिन ने पूछा है तिलैया का, DAV में 10th के मार्क्स कितने थे। DAV में 10th के मार्क्स मेरे 9.8 CGPA थे, मैं थोड़ा सा तेज बच्चा था। कैसा लगा मेरा मजाक? ज्यादा भी नहीं लेकिन ठीक ठाक था, है ना, तो 9.8 CGPA था मेरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदे ने पूछा, वो है आपके पास KTM है? भाई नहीं है यार, ये सब का शौक भी नहीं है, मेरे को KTM चाहिए ही नहीं, एकदम नहीं बोलूंगा बट KTM मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं है मेरे पास, बाइक ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बहन ने पूछा केम छो मजा मा, बहुत ही बढ़िया हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेरे गांव के मित्र ने पूछा है, अगला आदमी पूछेगा तब ना पूछेंगे।
अरे भाई इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, तुम भी कुछ पूछ ही डालता। चलो ठीक है, इतना सब पूछने के बाद उसने फिर से क्वेश्चन किया है, अपने गांव का ब्लॉग आएगा कि नहीं? जरूर आएगा भाई, ठीक है, उसमें तुम भी साथ रहना मेरे, और बहुत ही शानदार ब्लॉग रहेगा मेरे गांव का। और नेक्स्ट सोचूंगा उसी के बारे में, ठीक है, ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा, बस बने रहें। एक छोटे भाई ने पूछा है ना, रिलेशन में ही कोई है, कितना कमा लेते हैं भाई? कितना क्या होता है, अभी तो बस स्टार्ट ही किए हैं, फिलहाल जो डिजिटल मार्केटिंग करे उसी से थोड़ा बहुत इनकम आ जाता है, बाकी अभी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मेरा नहीं है, इन फ्यूचर मैं उसे बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक आदमी ने पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है, थैंक यू सो मच, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था शिव सागर का मेला है या खत्म हो गया, तो उनको मैं आंसर वहां पे कर चुका था, बट फिर भी बता देता हूँ, शिव सागर का मेला 8 दिन का था और वो खत्म हो चुका है पिछले संडे। नेक्स्ट एक भाई ने पूछा है, भाभी कब आ रही है? आ जाएगी भाई, जब आएगी तुझे पता चल जाएगा, ठीक है, इनविटेशन कार्ड चला जाएगा घर में तेरे, टेंशन नहीं लेना। एक और क्वेश्चन है, आप शादी कब कर रहे हैं? इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो पहले कैरियर बना लूंगा, ठीक है, उसके बाद ही ये सब के बारे में सोचूंगा, तो अभी तो नहीं, अभी बहुत टाइम है मेरे लिए, ठीक है। ओके सो ये रहा टोटल क्वेश्चंस, आई थिंक सबका आंसर हो चुका है, कुछ कुछ बच गए थे तो गलती से मैंने डिलीट कर दिया, पता नहीं चला यार, उसे रिकवर भी नहीं कर पाया, तो इतने क्वेश्चंस थे मेरे, है ना। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग से कुछ बातें करना है, क्या बात थी कि अब आप लोग बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मैंने कभी आज तक अपना फीडबैक नहीं लिया आप लोगों से, तो आप लोग बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, सच सच बताइएगा, मैं सुधार करूंगा, अगर कुछ गलतियां होंगी तो आप अपने तरफ से कुछ सजेशंस मुझे दे सकते हैं कि मैं कहाँ का ब्लॉग बनाऊँ, क्या क्या ब्लॉग में इंक्लूड करो जो कि पब्लिक को और अच्छा लगे, ठीक है, तो ये आप लोग से पूछना चाहूंगा, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है, एक तरह से पता चलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, तो बस ये था आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा, और जो था बस यही था, है ना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिला जाएगा, और बस यहीं एंड करते हैं ब्लॉग को, ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसे, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।